Hello children, welcome to your EVS video class. Children, you know that we have started a revision in your EVS classes, and we are revising from chapter 7, and that is the syllabus of your evaluation 2. So we'll start from chapter 7 till chapter 1 to 6 we have completed in evaluation 1. So now from chapter 7 onwards, and I have started this chapter in since past two videos, and the name of the chapter is Places of Worship. Children, I have explained you meaning of worship, I have explained you meaning of places of worship, and I have explained you place of worship for Hindus. In today's video, we will start with another religion. We will first discuss the four major religions of our country, and then later on we will discuss other few religions. India is a secular country, it's a democratic country. Almost all the major religions are there in our country. Hamare desh mein सारे जितने भी मेजर रिलीजन्स हैं उसके लोग यहाँ पर रहते हैं. हमने अपने पिछले वीडियो में हिंदुइज्म को डिस्कस किया था, है ना. हिंदूज जो हिंदूज का जो प्लेस ऑफ वर्शिप होता है वो आपके साथ मैंने डिस्कस किया था. वर्शिप होता है किसी भी चीज में आपका विश्वास, आपका फेथ होना, और फिर आप उस फेथ के लिए कितने डिवोटेड रहते हैं. एंड प्लेस ऑफ वर्शिप इज अ स्ट्रक्चर, इट्स अ बिल्डिंग, इट्स अ प्लेस वेयर पीपल गो एंड दे परफॉर्म देयर रिचुअल्स, देयर द बिलीव्स विच आर रिलेटेड टू देयर रिलीजन, एंड दे परफॉर्म दैट रिलीजियस एक्टिविटी. समटाइम्स दे स्टडी ऑल्सो एट देयर रिलीजियस प्लेस, वहां पे पढ़ते भी हैं. और हमने जो हिंदुइज्म के बारे में डिस्कस किया था, आई हैव टोल्ड यू अबाउट टेम्पल्स. हिंदूज जो है वो टेम्पल में जाते हैं वर्शिप करने के लिए. देयर प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड टेम्पल. उनके प्लेस ऑफ वर्शिप को कहा जाता है टेम्पल. और उन हिंदूज में और क्या क्या चीजें उनका वर्शिप होता है वो भी मैंने आपको बताया था. जैसे कि उनके रिलीजियस फेथ में रिवर्स भी आते हैं, ट्रीज भी आते हैं. हिंदुइज्म में, हिंदू रिलीजन में रिवर्स को भी वर्शिप किया जाता है. कई रिलीजियस एक्टिविटीज हैं जो रिवर्स से रिलेटेड हैं, कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज ट्रीज से रिलेटेड है, मतलब नेचर वर्शिपिंग भी हिंदुइज्म में है. हिंदू रिलीजन में नेचर को भी वर्शिप किया जाता है. और मैंने आपको ये भी बताया था उसके पीछे लॉजिक क्या रहा होगा, पहले के लोगों ने क्यों स्टार्ट किया ट्रीज और रिवर्स एक्सेट्रा, इवन प्लैनेट्स जैसे कि वीनस, सॉरी मार्स को वर्शिप करना, मंगल ग्रह की जिसे पूजा करते हैं, ये सब कैसे शुरू हुआ. मून को वर्शिप करना, सन को वर्शिप करना, ये जो नेचुरल थिंग्स हैं इनको वर्शिप करने के पीछे लॉजिक रहा है. नेचुरल चीजों को प्रोटेक्ट करना, बिकॉज दे आर रीजन फॉर आर सर्वाइवल, दे प्रोटेक्ट अस. दीज नेचुरल थिंग्स आर देयर, इफ दीज नेचुरल थिंग्स आर देयर देन ओनली वी कैन सर्वाइव. अगर ट्रीज है, अगर रिवर है मतलब पानी है, तो अगर सन है तो ही हम सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है अर्थ पर. तो शायद पहले जमाने के जो लोग थे, जो हमारे एंशियंट एंसेस्टर्स थे, दे वर फार मोर इंटेलिजेंट, बहुत हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत ज्यादा समझदार थे. उन्होंने ऐसा ट्रिक लगाया कि हम नेचर को प्रोटेक्ट कर सके, तो हमने उसे वर्शिप करना शुरू कर दिया. ताकि पूजा करेंगे तो एक फेथ रहेगा, एक बिलीफ रहेगा, एक थोड़ा सा रिलीजियस फियर भी रहेगा कि हमने अगर पेड़ को काट दिया या कुछ ऐसा कर दिया तो गॉड नाराज हो जाएंगे. मतलब इसके पीछे लॉजिक ये था, किसी भी सुपरस्टिशंस को बढ़ावा नहीं देना, बल्कि नेचर को
प्रोटेक्ट करना, इसी बहाने हम पेड़ को काटने से रुकेंगे, हम रिवर्स को प्रोटेक्ट करेंगे. हालांकि नाउ इट इज अदर वे अराउंड, नदियां बहुत पोल्यूटेड हो चुकी हैं. ये जो है अब की जनरेशन इस चीज को नहीं मानती है और रिवर्स को पोल्यूट करना शुरू कर दिया. तो पहले के लोग ज्यादा समझदार थे, उन्होंने इस ट्रिक से ही नेचुरल चीजों को प्रोटेक्ट किया था. अब हम बात करेंगे दूसरे रिलीजन की, जो है इस्लाम, मुस्लिम जिसको बोलते हैं, इस्लाम की बात करेंगे. जो लोग इस्लाम में बिलीव करते हैं उनको बोलते हैं मुस्लिम्स. क्या बोलते हैं? मुस्लिम्स, या मुसलमान बोलते हैं जिसका ईमान मुसम्मल हो, बोलते हैं मुस्लिम्स. तो जो लोग इस्लाम में बिलीव करते हैं उन्हें हम मुस्लिम कहते हैं. और उनका प्लेस ऑफ वर्शिप, यस, उनका प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? मॉस्क, जिसे हम हिंदी में मस्जिद बोलते हैं. मॉस्क को आप इंग्लिश में भी वैसे मस्जिद बोल सकते हैं, MASJID, मस्जिद. ठीक है, इंग्लिश में भी मस्जिद बोलते हैं कुछ लोग, क्योंकि कुछ मस्जिदों के नाम होते हैं ना, तो वो मस्जिद ही नाम रहता है इंग्लिश में, वैसे उसे मॉस्क बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मस्जिद. अच्छा, अब इस्लाम में जो प्रेयर किया जाता है मॉस्क में या घर पे भी जो प्रेयर किया जाता है उसको भी एक अलग नाम दिया गया है और उसे कहा जाता है नमाज. क्या बोलते हैं? नमाज. उर्दू मुस्लिम में, इस्लाम में जो गॉड को प्रेयर किया जाता है उस प्रेयर को कहा जाता है नमाज पढ़ना. पढ़ना इन द सेंस कुरान की कुछ आयतें, कुछ होती हैं चीजें वो पढ़ते हैं और इसीलिए उसको नमाज पढ़ना कहते हैं. उनके प्रेयर इज कॉल्ड नमाज पढ़ना. और एज पर देयर रिलीजियस बिलीव, जो जो सच्चे मुसलमान या ऐसा जो भी बिलीव है कि पूरे दिन में 5 times नमाज पढ़ते हैं. कुछ मुस्लिम हैं जो दिन भर में 5 बार 5 times नमाज पढ़ते हैं. जरूरी नहीं कि सारे ही लोग नमाज पढ़े 5 times, लेकिन मैक्सिमम जो मुस्लिम्स हैं वो 5 times नमाज पढ़ते हैं एज पर देयर रिलीजियस जो रूल्स हैं उसके हिसाब से वो 5 बार नमाज पढ़ते हैं. और कुछ जो लोग रेगुलर बेसिस पर 5 बार नमाज पढ़ते हैं उन्हें 5 वक्त का नमाजी भी कहा जाता है. अच्छा, अब बात करते हैं मुस्लिम्स के होली बुक्स पर आते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि हर रिलीजन का अपना एक होली बुक होता है. एक होली बुक तो होता ही है, बक्सा होता है. तो इस जो मुस्लिम जो लोग हैं, मुस्लिम पीपल हैं, उनका जो होली बुक है उसका नाम है कुरान. उसे कहते हैं होली बुक ऑफ मुस्लिम इज प्रेयर. होली बुक ऑफ मुस्लिम्स इज कुरान, QURAN. कुरान जो है वो मुस्लिम लोगों का होली बुक है और जो भी उनकी होली बुक में लिखा है उसको वो लोग फॉलो करते हैं. अच्छा, अब मॉस्क की बात करते हैं. मॉस्क क्या होता है, कैसा होता है? मुस्लिम्स में दरगाह भी होती है. अब दरगाह एक तरह का टूम होता है, किसी सेंट का टूम होता है. लोग वहां जाकर चादर चढ़ाते हैं, विशेष मांगते हैं, चादर चढ़ाते हैं. प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं होता है वो, लेकिन लोग वहां जाते हैं, डेफिनेटली जाते हैं और वहां जाके अपनी विशेष मांगते हैं, चादर चढ़ाते हैं या यूं भी जाते हैं. बट दैट इज नॉट एक्चुअली प्लेस ऑफ वर्शिप. मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वंस इन ऑनलाइन क्लास समबडी आस्क्ड अबाउट दरगाह एंड मॉस्क. सो मॉस्क एंड दरगाह बोथ आर डिफरेंट थिंग. दोनों एक चीज नहीं है. दरगाह अलग होता है और मॉस्क अलग होता है. मॉस्क में जो पूरी कम्युनिटी जो है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जाकर वहां पर नमाज पढ़ सकते हैं. एंड वन मोर थिंग,
लेडीज आर नॉट अलाउड इन मस्जिद, मस्जिद में लेडीज नहीं जाती हैं नमाज पढ़ने के लिए, वो अपना प्रेयर घर पर ही करती हैं, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर मॉस्क, वो उसका अपना अलग रीजन है क्यों नहीं जाते हैं, बट उनके रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से लेडीज दे डू नॉट गो टू मस्जिद, दे डू नॉट विजिट मस्जिद टू ऑफर नमाज, नमाज वो घर पर ही पढ़ती हैं, लेकिन दरगाह पर लेडीज जाती हैं, दरगाह पर आपके स्कूल के पास में ही है ना बहादुर शहीद की दरगाह, आपने देखा होगा थर्सडे के दिन वहां पर काफी सब फेयर जैसा वहां का माहौल रहता है, मेला जैसा लगता है थर्सडे को, है ना, अभी कोविड में तो कम है लेकिन जब ये कोविड नहीं था, जब बिल्कुल सब चीज नॉर्मल चल रहा था, तो आपने देखा होगा कि हर थर्सडे को दरगाह पर मेला जैसा लगता था, बाजार लगते थे, दुकानें लगती थी, और सभी बच्चे बूढ़े मेल फीमेल सब लोग वहां दरगाह पर जाते थे, मतलब फीमेल्स भी दरगाह पर जा सकती हैं और जाती हैं, वहां पर जो टोम होता है, जो कब्र होती है, उसको भले वो ना टच करे बट दे एंटर, वो दरगाह के अंदर जाती हैं, वहां के जो मजार होती है उसको वो टच नहीं करती हैं बट दे एंटर, बट मस्जिद में वुमेन दे डू नॉट एंटर मस्जिद, ये भी डिफरेंस है मस्जिद और दरगाह में, ठीक है, कि दरगाह में लेडीज जा सकती हैं लेकिन मस्जिद में नहीं जा सकती हैं, मस्जिद में जाके प्रेयर करते हैं, नमाज पढ़ी जाती है, दरगाह में नमाज नहीं पढ़ी जाती है, लोग जाते हैं श्रद्धा से अपने डिवोशन की वजह से जाते हैं, चाहे तो वहां बैठ के अपनी प्रेयर कर सकते हैं बट ऐसा वहां बैठ के नमाज पढ़ना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और किसी भी रिलीजन के लोग दरगाह पे जा सकते हैं, मॉस्क में ऐसा नहीं है लेकिन दरगाह पर किसी भी रिलीजन के लोग जा सकते हैं, अपने विश मांग सकते हैं, और हमारी कंट्री में इंडिया में कई फेमस दरगाह है, एक तो आपके स्कूल में ही है, स्कूल के पास ही है, पर अदरवाइज आपके इंडिया में, हमारे इंडिया में बहुत सारे फेमस मस्जिद भी हैं और दरगाह भी हैं, एक तो हाजी अली की दरगाह है जो कि मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, जो बहुत फेमस है हाजी अली की दरगाह, दूर दूर से लोग उस दरगाह पे जाते हैं, उसके अलावा बहुत सारे मस्जिद हैं हमारी कंट्री में, कई सारे फेमस मस्जिद हैं, कुछ ही का नाम तो आपने शायद सुना भी होगा, जैसे कि जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, दिल्ली का जामा मस्जिद बहुत ही फेमस है, और इसे ऐसा बोलते हैं कि शाहजहां ने बनवाया था इस मस्जिद को, तो एक तो आपका जामा मस्जिद ही होगा जो सबसे ज्यादा फेमस है, उसके अलावा मैंने आपको बताया था एक मस्जिद मैंने आपको बताई थी जब मैं हम स्टेट्स को डिस्कस कर रहे थे, हैदराबाद में है मक्का जो मस्जिद है, दो मतलब मक्का नाम से जो है ना ये एक पिलग्रिमेज भी है, तीर्थ स्थान भी है, मुस्लिम पिलग्रिमेज है, जहां पे हर मुस्लिम जो इस्लाम को मानता है वो व्यक्ति वो पर्सन एक अपनी लाइफ टाइम में एक बार मक्का जरूर जाना चाहता है, मक्का उनका होली एक सेक्रेड प्लेस है, एक पिलग्रिमेज है, सभी रिलीजन का अपना अपना पिलग्रिमेज होता है जिसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी, सभी रिलीजन का जो पिलग्रिमेज है वो इस चैप्टर के एंड में मैं डिस्कस करूंगी, अभी सिर्फ आपको बता दे रही हूँ मस्जिद के बारे में हम क्योंकि बात कर रहे हैं, तो मक्का नाम का भी मस्जिद है जो कि बहुत फेमस है, वो है हैदराबाद में है, ठीक है, उसके अलावा एक हाजी अली दरगाह तो मैंने आपको बताया ही है, एक मोती मस्जिद है वो भी दिल्ली में है, काफी फेमस मस्जिद है, फिर उसके बाद एक जामिया मस्जिद है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे फेमस मस्जिद हैं, मैं कुछ एक का नाम लिख देती हूँ, फेमस मॉस्क्स ऑफ इंडिया, कौन कौन से फेमस मॉस्क हैं बता देती हूँ आपको, पहला तो है जामा मस्जिद,
फिर है मोती मस्जिद, उसके बाद है ना यहाँ पे जमाली कमाली, ये भी दिल्ली में है। जमाली कमाली की ये यहाँ पर कब्र है जमाली और कमाली की, प्लस यहाँ पर ये एक तरह का मस्जिद भी है जमाली एंड कमाली, ZAMALI जमाली कमाली। फिर है मुबारक मस्जिद है, फिर है शाह आलम रोजा, शाह आलम रोजा ये भी मस्जिद का ही नाम है, शाह आलम रोजा एक मस्जिद का नाम है। फिर मक्का मस्जिद है, उसके बाद है जामिया मस्जिद है एक, जामा मस्जिद अलग है और जामिया मस्जिद अलग है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में एक है नखोड़ा मस्जिद है, NAKHODA, ये भी एक मस्जिद का नाम है, ठीक है। मदीना मस्जिद है, फिर उसके बाद एक लाल दरवाजा नाम का मस्जिद है, लाल दरवाजा बोलते हैं उसको, चलिए। ये कुछ मैंने मस्जिदों के नाम आपको बताए हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं। काबुली बाग मस्जिद भी है एक, बाग ये कुछ एक मस्जिद के नाम मैंने आपको बताए हैं। वैसे इंडिया में बहुत सारे मस्जिद हैं, आपके हर शहर में मस्जिद हैं, और वो सब मस्जिद जो है अपने अपनी सिटी के लिए फेमस है, क्योंकि वहां पर लोग जाते हैं नमाज पढ़ते हैं। तो हर शहर का मस्जिद अपने आप में खास है, अपने आप में वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो प्लेस ऑफ वर्शिप है, वहां पूरी कम्युनिटी जाती है, इस्लामिक कम्युनिटी जाती है नमाज पढ़ने के लिए। ईद के दिन वहां फेयर लगते हैं उसके पास, और एक अच्छा सेलिब्रेशन का वहां पे एटमॉस्फेयर रहता है। तो इस हमारी कंट्री में, जैसा मैंने बताया कि इंडिया एक बहुत एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर कंट्री है, सभी लोगों को अपने रिलीजन के हिसाब से रहने का पूरा फ्रीडम है। We all can have faith in our religion. हमको जो भी religion में अपना faith दिखाना है, belief दिखाना है, we are allowed. हमको permission है, and हमारे religious belief में कोई interfere नहीं कर सकता। बस हमें किसी और के sentiments को hurt नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने religion में believe करते हैं, nobody will stop us. But we should not disrespect other religion. हमें दूसरों के रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। हमारा जिस भी रिलीजन में फेथ क्यों ना हो, वो हमारा अपना पर्सनल मैटर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों के रिलीजियस बिलीफ को हर्ट करें, दूसरों के रिलीजियस भावनाओं को हम तकलीफ दें, ठीक। ये मीनिंग होता है सेकुलर का, कि सभी रिलीजन हमारे लिए बराबर है। मस्जिद में आपको क्या लगता है, कोई मूर्ति नहीं होती है, कोई आइडल नहीं होता है, वहां पे जाके लोग प्रेयर करते हैं। अल्लाह क्या है? अल्लाह कोई शेप नहीं है, अल्लाह एक बिलीव है, एक फेथ है। और मुस्लिम लोग जो है वो किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, किसी आइडल को डर के पूजा नहीं करते हैं। उनका जो विश्वास है वो निराकार है, कोई शेप नहीं है। दे हैव फेथ इन अल्लाह, अल्लाह को वो वर्शिप करते हैं। देयर गॉड इज अल्लाह, दे वर्शिप अल्लाह।
और प्रोफेट मोहम्मद जो है उन्होंने उनको प्रीचिंग दी थी। तो अल्लाह जो है वो उनका कोई मूर्ति नहीं है, कोई फेस नहीं पता है किसी को, और जो मुस्लिम लोग हैं उनका फेथ है उस ऑलमाइटी गॉड में, एंड ये एक विश्वास का नाम है। अल्लाह एक फेथ, एक विश्वास, एक बिलीफ का नाम है। और जैसा मैंने बोला कि हमें सबके रिस्पेक्ट करने चाहिए, वन गॉड में बिलीव करते हैं मुस्लिम लोग कि भगवान गॉड एक है, ठीक। और मस्जिद में सब जाते हैं इकट्ठा, एक साथ सब नमाज पढ़ते हैं, एक फिक्स टाइम है नमाज पढ़ने का, अपनी होली बुक को फॉलो करते हैं। ये सारी चीजें इस्लाम की हैं। पिलग्रिमेज साइट उनका क्या है ये हम सब बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम सारे धर्मों जो रिलीजन का जब हम एक साथ पिलग्रिमेज साइट की बात करेंगे तब हम उसकी बात करेंगे। अभी हम सिर्फ रिलीजियस बिलीफ, प्लेस ऑफ वर्शिप्स वगैरह की ही बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको इस्लाम वाला जो चीज है ये आप क्लियर हो गया, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहले नहीं पढ़ा हमने, लेकिन मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि काफी दिन हो गया है ये चैप्टर को कंप्लीट किए हुए। आपने बहुत पहले ये चैप्टर पढ़ा था इसलिए मैं इसको जो है फिर से आपको पढ़ा रही हूँ। ये हो गया हमारा इस्लाम। अब हम बात करेंगे सिख, सिख रिलीजन की बात करते हैं। अब सिख रिलीजन की बात करते हैं। सिख रिलीजन में जो लोग बिलीव करते हैं, सिखिज्म में जो बिलीव करते हैं, दे आर कॉल्ड सिख, SIKHS, सिक्स, इनको सिख कहा जाता है। जो लोग सिखिज्म में बिलीव करते हैं उन्हें हम कहते हैं सिख। और इसमें भी आपको कई तरह के दिख जाएंगे, कुछ जो मैक्सिमम सिख लोग हैं वो मेजॉरिटी जिसको बोलते हैं वो बाल अपने लंबे रखते हैं, नॉट ओनली लेडीज बल्कि जेंट्स ऑल्सो, मेल जो लोग होते हैं सिख में, जो मेल लोग होते हैं, जो आदमी लोग होते हैं वो भी बाल नहीं कटवाते हैं, उनके भी लंबे लंबे बाल होते हैं लाइक लेडीज, लेकिन वो लेडीज की तरह से चोटी बना के नहीं रखते हैं, दे टाई अ नॉट ऑन देयर हेड, वो सिर पे उसका जूड़ा बना के रखते हैं, बन बना के रखते हैं, एंड देन दे वेयर अ टर्बन, और उसके ऊपर से फिर वो एक टर्बन पहनते हैं, दैट इज मार्क ऑफ देयर रिस्पेक्ट, दैट इज सिंबल ऑफ देयर रिस्पेक्ट। सिख लोग सिर पर पगड़ी पहनते हैं, टर्बन पहनते हैं, एंड मेल भी बाल बड़े करते हैं, वो बाल में सीजर्स नहीं लगाते, मतलब बाल नहीं काटते हैं कभी भी, ठीक है। और ये उनका रिलीजियस बिलीफ है। उसके अलावा 5K उनके में बिलीव करते हैं, 5K मतलब केसे केश, केश मतलब बाल, फिर केसे होता है कड़ा, जो सिख लोग होते हैं वो लोहे का एक कड़ा पहनते हैं हाथ में, जितने भी सिख लोग होते हैं वो हाथ में कड़ा पहनते हैं, लोहे का कड़ा होता है वो पहनते हैं, तो केसे केश, केसे कड़ा, केसे कंघा, कंघा छोटी सी कंघी होती है वो अपने बालों में उसको फंसा के रखते हैं, जब वो अपना बाल को बांधते हैं, जब वो नॉट बांधते हैं ऊपर सिर के ऊपर, तो एक छोटी सी कंघी होती है जिसको कंघा बोलते हैं, वो हमेशा वो अपने बालों में लगा के रखते हैं। फिर केसे होता है कृपाण, कृपाण एक छोटा सा चाकू जैसा होता है, ठीक है, 5Ks, केश, कंघा, फिर कृपाण, जो कृपाण होता है वो एक चाकू के जैसा होता है, एक छोटा सा
छोटा सा शार्प चाकू जैसा होता है, उसको कृपाण बोलते हैं। वो जो सिख लोग हैं उसे, जो ट्रेडिशनल सिख लोग हैं, आजकल तो सब ऑफिस जाते हैं और इसलिए जरूरी नहीं कि सब रखें, लेकिन मैक्सिमम सिख लोग अपने रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से एक कृपाण रखते हैं जो चाकू की तरह होता है। और कड़ा तो मैंने बताया ही आपको, और लास्ट में है कच्छा जिसको बोलते हैं, जो एक शॉर्ट्स होता है, वो सारे सिख लोग वो शॉर्ट्स पहनते हैं, फिर उसके ऊपर से पैंट वगैरह जो भी पहन देते हैं। तो के फॉर कच्छा, के फॉर कड़ा, के फॉर कृपाण, के फॉर कंघा एंड के फॉर केश, मतलब पांच के, फाइव केस होते हैं जो ट्रूली जो बिलीव, मतलब रिलीजियस जो लोग सिख होते हैं, स्पेशली इन विलेजेस। अभी शहर में तो मे बी इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन शहर गांव में जो सिख लोग होते हैं ये 5K को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। सबके पास कड़ा होगा, सबके बालों में कंघा होगा, वो दिखता नहीं है कंघा, बालों में फंसा के रखते हैं, ऊपर से पगड़ी रहती है, उनका टर्बन रहता है, और केश तो है ये बड़े बड़े हाथ में, और साथ में कृपाण, कृपाण भी विजिबल नहीं रहता उसको, वो मतलब वो हिडन रहता है, अपने पास वो एक कृपाण भी रखते हैं। तो इस तरह से 5 केस में सिख लोग बिलीव करते हैं। अच्छा, अब सिख लोग किसकी वर्शिप करते हैं, उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप क्या कहा जाता है? प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड गुरुद्वारा। गुरु का द्वार, गुरु का घर, गुरुद्वारा इस गुरु का घर, गुरु का द्वार। तो सिख लोग जो हैं, उनके प्लेस ऑफ वर्शिप को कहा जाता है गुरुद्वारा, और वहां भी आपको कोई आइडल, कोई मूर्ति ऐसे दिखेगी नहीं। हालांकि जो सिख लोग हैं वो जो उनके जो गुरु हैं, गुरु नानक देव, उनको भी उनको मानते हैं। सिख जो है वो गुरु नानक देव को मानते हैं, ठीक है। तो लेकिन मूर्ति नहीं है ऐसा, गुरुद्वारा में आप जाएंगे तो आपका ऐसा कुछ नहीं कि गुरु नानक देव की बड़ी सी मूर्ति होगी और लोग वर्शिप कर रहे होंगे, आरती पूजा कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। गुरु नानक देव में ऑफकोर्स बिलीव करते हैं, गुरु नानक देव का फोटो पोर्ट्रेट वगैरह रहता है, बट गुरुद्वारे में ये सब चीजें नहीं होती है। गुरुद्वारे में एक बुक रखी होती है, उस बुक को कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सिख लोगों का सेक्रेट बुक है, होली बुक भी है, ठीक है। सिख लोगों का होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, सिख लोगों का होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, और गुरुद्वारे में यही बुक रखी रहती है, और जो सेवक होते हैं गुरुद्वारे में वो इसके ऊपर ऐसे एक फैन जैसा होता है, उसकी फैनिंग करते रहते हैं गुरु ग्रंथ, और इसमें जो लिखा रहता है गुरु की वाणी लिखी हुई होती है उसको रिसाइट करते हैं, उसको गाते रहते हैं, कीर्तन बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, जो प्रेयर ये लोग गाते हैं That is called शबद। शबद बोला जाता है, कीर्तन बोला जाता है। कीर्तन इज एक्चुअली जो ये जो सिंगिंग करते हैं, गाते हैं जो, दैट इज कीर्तन। और नॉर्मली जो प्रेयर, उनकी जो प्रेयर होती है दैट इज कॉल्ड शबद, एक ओंकार करके जो गाते हैं उसको बोला जाता है शबद, ठीक है। तो उनके प्रेयर को शबद, जैसे कि मुस्लिम में नमाज बोलते हैं, सिख लोगों का जो प्रेयर होता है वो शबद होता है, शबद को सिंग करते हैं, दे सिंग शबद। हिम्स होते हैं उनके, जो उसमें लिखा होता है उनके गुरु ग्रंथ साहिब में, उसी को वो गाते हैं, और बहुत मेलोडियसली गाते हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया लगता है।
तो ये उनका प्रेयर करने का तरीका होता है, गुरुद्वारे में जाना और वहां पर माथा टेकना, गुरु ग्रंथ साहब जो रहता है उसको गुरु ग्रंथ साहब जो बोलते हैं वो, उसके सामने माथा टेकते हैं, क्योंकि गुरु की सारी अच्छी बातें उसमें लिखी हुई है। और वहां प्रसाद मिलता है, प्रसाद लेते हैं गुरुद्वारे से। हर गुरुद्वारे में एक बहुत कॉमन चीज होती है, वो होता है लंगर। गुरुद्वारे में लंगर चलाया जाता है। अब लंगर क्या होता है? लंगर होता है फ्री में खाना खिलाना। फ्री में, मैं फ्री वर्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोई चार्ज नहीं लगता वहां। कोई भी लंगर में कोई भी जाकर खाना खा सकता है और इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। मतलब ये सिख लोग बिलीव करते हैं कि कोई उनके यहाँ से भूखा ना जाए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो। अगर गुरुद्वारे में लंगर चल रहे हैं, लंगर में मतलब प्रसाद खिलाना, वो प्रसाद एक्चुअली में प्रॉपर खाना होता है। ऐसे तो कहते हैं कि लंगर में प्रसाद बंटता है, पर वो प्रसाद एक्चुअली में प्रॉपर खाना होता है, जो एक नीला इंसान खाता है, प्रॉपर खाना खाते हैं वहां पे लंगर में, और वो सभी को खिलाया जाता है। तो ये कॉमन है, हर गुरुद्वारे का ये कॉमन है कि वहां पर सबको फ्री में खाना खिलाया जाता है। तो सिख रिलीजन की हम और बातें करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। आज हमने स्टार्ट कर दिया है, इसको अभी ही स्टॉप करते हैं। जितना मैंने आपको रिवाइज करा है, प्लीज आप अपने घर पे इसको रिवाइज कीजिए, गो थ्रू इट, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके चैप्टर में नहीं लिखी हुई है, नहीं बताई गई है। ये सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ, एक्स्ट्रा बता रही हूँ, आपके बुक में ये सब नहीं, डिटेल में कुछ नहीं बताया गया, इसलिए आप इसको प्लीज अच्छे से ध्यान से सुनिए और रिवाइज कीजिए। और इन केस इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, यू कैन क्लियर दैट, ओके। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सिखिज्म, ठीक है। थैंक यू।